हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो गए थे और मैंने इनको ना कस लिया था कद्दूकस में, और यहाँ पे चाय भी रेडी थी। तो बस अब अविशा जाने वाली है ट्रिप पे एक दिन के लिए, मतलब रात तक आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बर्गर बना दिए थे। तो मैंने उससे पूछा था क्या लेके जाओगे बेटा, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ना, मैंने बोला कि रोटी सब्जी सारी चीज़ें या पूरी सब्जी जो भी आपको खाना है पैक कर दूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, सब बच्चे ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेकर आएंगे, तो मुझे भी ना आप कुछ अलग सा देना। तो मैंने बर्गर, सैंडविच और बहुत सारे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक मैंने दिए, और उसको खुशी खुशी मतलब वो गई ट्रिप पे, और बस बहुत मज़े करने वाली है आज ये। उसके बाद मैंने अपनी पूजा वगैरह सब कर ली नहा धो के अभिषेक को स्कूल भेजने के बाद, और पूजा करने के बाद मैं अपने और हस्बैंड के लिए भी एक एक बर्गर ही बना लूँगी, खूब सारी वेजीज चीज़ वगैरह डाल के। और बहुत यम्मी बने थे आज सच में बर्गर ना। तो यहाँ पे मैं वही एक हस्बैंड के लिए रेडी किया, एक अपने लिए रेडी किया, टिक्की वगैरह लगा के, चीज़ और सब मेयोनीज वगैरह सब कुछ ऐड करके, वेजिटेबल वगैरह। अब इनको बस तवे पे मुझे जो है सेकना है। और बहुत से लोग इसको मतलब कई तरीके से आप लोग सेक करते हो, लेकिन मुझे तो तवे पे ही वो अच्छे लगते हैं। साथ में दोबारा ये दूसरा बार हमारी चाय बन रही है, साथ में बनाएंगे हम चाय, तो इससे हमारा अच्छा सा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। और चाय के साथ में हम इसको सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपने पतिदेव को दे देती हूँ सबसे पहले बर्गर, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी और साथ में चाय, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। उसके बाद फिर ये होता है कि जब आप हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रहती कि भाई लंच एकदम से ही बनाना है, थोड़ा सा रेस्ट लेके आप बना सकते हो। और यहाँ पे ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो भी बोल रहे थे कि ये दिवाली की खीर बच रही है तो इनको ना फ्राई करके और बना लो नमकीन टाइप से। तो मैं इनको क्लीन कर लूँगी, ये जो इनमें तुनके से होते हैं ना, इनको अलग निकाल के ना इनको मैं क्लीन करके और नमकीन टाइप, मतलब नमकीन काइंड ऑफ हम बना सकते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, उसमें नमक मसाले और आपका हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा मिर्ची, सब कुछ ऐड कर दूँगी। और तेल में इसलिए करें हैं ताकि वो सारी ही जो ये हमारी खील है इनमें एब्जॉर्ब हो सकें, अदरवाइज़ तो अगर ऊपर से डालेंगे ना तो वो फिर उतनी अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, जब हम ऑयल में डाल देते हैं ना तो अच्छे से कोटिंग हो जाती है सब, मतलब जो भी चीज़ आप डालना चाहते हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे बस अब मैं खील ऐड कर दूँगी और फिर ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये हमारी ना बढ़िया सी अपना नमकीन टाइप में रेडी हो जाएगी। और हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो, करी पत्ता आप इसमें ऐड कर सकते हो, मूंगफली ऐड कर सकते हो। मैंने तो सिंपल ही बनाई थी। और यहाँ पे मैंने लंच के लिए भिगो दी थी दाल अरहर की। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं दाल चावल और सूखे आलू की सब्जी। गाइस अभी हम मिलने जा रहे हैं अविशु को, और 5:30 बजे के आसपास में वो आएगी स्कूल से, मतलब स्कूल में, वहीं पे हमें लेने जाना है। तो वहीं पे जा रहे हैं, और कुछ का भी हमारे साथ जा रहा है, कुछ के लिए भी हम ट्रिप करा रहे हैं, इसके लिए तो यही ट्रिप है बहुत बड़ी। तो चलो मैं पहुँच के आपसे बात करती हूँ, अविशु से मिलवाऊँगी। Thank you.
सो हम यहाँ पे पहुँच गए थे, बट अभी बसेस नहीं आई थी तो वेट कर रहे थे कब आएंगी। तो अभिषा आ गई। अभिषा कैसी रही ट्रिप? बहुत अच्छी। मजे आए? अभिषा को बहुत मजे आए। और अंधेरा हो गया है, हमें बोला गया था 5:30 बजे आके लेना है, लेकिन अभी बज रहे हैं 6:30। तो अब हम जा रहे हैं घर, और घर पे आपसे बात करवाती हूँ अभिषा से कि कैसी रही उसकी ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज सी नहीं आएगी आपको। और ये कुछ का भी उठ गया है, मम्मा की बात सुनना है। चलो मिलती हूँ आपसे घर। तो घर आते ही ना अभिषु खाना खा के सो गई थी, और इसके कान में ना मतलब चीस रहा था, तो उसकी भी दवाई लेकर आई थी, मतलब ये डॉक्टर के यहाँ जाके डैडी के साथ अपने। और यहाँ पे ये पुचका को देखो, अब इसका रोने का समय हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी बहुत तेज़। तो पहले तो इसको घुमाया मैंने गोदी में लेके, लेकिन मैं भी थक गई। फिर उसके बाद इसको ऐसे हिला रही हूँ, डुला रही हूँ कि भैया तो कैसे भी सो जा बस। उसके बाद अब ये सोएगी, देखो कितनी देर में सोती है, मतलब कई कई घंटे हो जाते हैं हमें बैठे बैठे, रात के 10:30-11:12 बज जाते हैं इसको लिए लिए ना। और बड़ी वाली बेटी तो सो गई है, उसको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। सो गाइस, अभी ये छुटंकी नहीं सोई है, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी रोना तो चुप किया है लेकिन सोई नहीं है अभी तक। तो बस इसको सुला रही हूँ, और उसके बाद मुझे एक सीरियल देखती हूँ वो देखना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। खाना पीना सब डन हो गया है। बड़ी वाली बेटी तो आज ना थक के बहुत ज़्यादा सो गई है, क्योंकि सुबह ही ये लोग चले गए थे और 7 बजे के आसपास वापस आए हैं, तो ना वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मैं सो जाऊँ क्या। मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, तो वो तो सो गई है, बट ये मैडम सोने का नाम नहीं ले रही है। मतलब सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर पता नहीं अचानक से डर गई और उठ गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। बस अब इस व्लॉग को भी मैं गाइज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।